हे दोस्तों, स्वागत है आज की इस कमाल की वीडियो में आप सभी का। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने फोन से। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है अपने फ़ोन में और कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करना है ताकि आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर पाएँ। तो प्लीज़, आपसे निवेदन है कि आप जो है वो किसी और के पास जा करके 200-300 रुपये, 400 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे करके अपना पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं तो इसमें आपका नुकसान है। तो फाइनली अपने फ़ोन से कीजिए ताकि आपको कुछ पैसे बच जाएं और वो एक्स्ट्रा खर्चे में आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो फाइनली दोस्तों, हम आ गए हैं प्ले स्टोर में और यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे एम पासपोर्ट सेवा। आप भी एम पासपोर्ट सेवा लिखेंगे तो सेकंड नंबर पे आपको एक आइकन बना हुआ नज़र आएगा, उस पे आपको करना है क्लिक। मैं कर रहा हूँ क्लिक दोस्तों। इसको क्लिक करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा और इसको करना है आपको इंस्टॉल। डाउनलोड होने लगा दोस्तों। जैसे ही ये डाउनलोड पूरा हो जाएगा आपको अगले स्टेप की ओर मैं लेके जाऊंगा। तो 1.57 MB की एप्लीकेशन है दोस्तों। ये हो गई एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल, और इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसको करेंगे ओपन। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे दोस्तों, हमारे सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। ये हमको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो हम कर लेते हैं थोड़ा सा वेट। और जैसे ही इसका अगला स्टेप खुलेगा मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या बोल रहा है। ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है वो आपको जानना कि कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट आइकन है आपका एक्सेप्टिंग यूज़र लॉगिन। यहाँ से आप अपनी, अगर आपके पास यूज़र आईडी है तो लॉगिन कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, आप यहाँ से नई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और थर्ड ऑप्शन है आपको फ़ी कैलकुलेटर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि फ़ी कैलकुलेटर में क्या क्या है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना चार्ज आपको लगने वाला है। तो फाइनली हमने यहाँ पे फर्स्ट पासपोर्ट टाइप ऑफ सर्विस में फ़र्स्ट पासपोर्ट कर लिया, और सेकेंड ऑप्शन में 18 ईयर के ऊपर, मतलब 18 साल के ऊपर है, हमको 18 साल के ऊपर वाला ही क्लिक करना है दोस्तों थर्ड ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पे आपको 36 और 60 पेज का ऑप्शन आएगा, तो आप 36 कर लीजिए। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे नॉर्मल कर लीजिए, आपको तुरंत बता देगा कि ये 1500 रुपये फ़ी आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे अगले स्टेप पे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली हम जो है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। और यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस हमको सेलेक्ट करना है, तो हमको पासपोर्ट ऑफिस में क्लिक करना है और यहाँ पे हम करेंगे लखनऊ। तो दोस्तों हमने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं मेरा नाम लिखूँगा दोस्तों, सेकंड में सर नेम लिखूँगा, और थर्ड ऑप्शन में दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरी डेट ऑफ बर्थ, जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो फाइनली 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और 10 फरवरी। तो दोस्तों मैंने इसको कर लिया क्लिक, और उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको डालना होगा अपना ईमेल आईडी, जो आप ईमेल आईडी यूज़ करते हो फाइनली वही ईमेल आईडी डालें ताकि आपके फ़ोन पे वो मेल आ सके। जो ये पासपोर्ट सेवा का जो ये पोर्टल है, ये एक मेल करता है, वो मेल जाता है आपके फ़ोन पे और वहाँ से करना होता है आपको वेरीफाई। तो वहाँ से जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपकी यूज़र आईडी और लॉगिन करने के लिए पासवर्ड जो आप डाल रखेंगे वो वेरीफाई हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लॉगिन आईडी। आप भी लॉगिन आईडी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आप भूले नहीं, तो वैसे कुछ यूज़र आईडी आप डाल दीजिए। और यहाँ पर दोनों ऑप्शन में यहाँ पे पासवर्ड जो एकदम होगा सेम कैरेक्टर होगा दोनों का, नीचे ऊपर सेम कैरेक्टर आप डालें, अलग अलग ना करें वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो दोनों में मैंने पासवर्ड डाल लिया। उसके बाद नीचे हिंट क्वेश्चन पे आएंगे, मैंने फेवरेट फूड कर दिया, यहाँ पे मेरा फेवरेट
फूड में डाल दूंगा दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें, कैप्चा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आता है, तो फाइनली ये ध्यान दे के आप कैप्चा डालें। तो यहाँ पे कैप्चा मैं डाल रहा हूँ 2Z, उसके बाद दोस्तों बाकी का जो है वो मैं डाल दूंगा और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों ये हमको लेके जाएगा अगले स्टेप पे जो मेल जाती है। तो दोस्तों ये मेल हमको जैसे ही जाएगी, ये देखो मेल जा रही है कि फाइनली प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी, ठीक है। तो आप ईमेल आईडी चेक कर लीजिए और वहाँ से उसको क्लीन कर लीजिए और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे दोस्तों और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मैं मेरा पासवर्ड ईमेल आईडी डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा। तो ये मैंने जो बनाई है वो नहीं है, वो दूसरी है, क्योंकि उसमें मेल आने में थोड़ा टाइम लग गया और इसमें मैंने ईमेल आईडी डाली और पासवर्ड डाला। और नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे फिर कैप्चा कोड हमको फिलअप करना है। तो थोड़ा सा मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने इसको हाइड कर रखा था दोस्तों। अब उसके बाद नीचे आएंगे, मैंने यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन कर दिया। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर फर्स्ट पासवर्ड पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और यहाँ पे हमको फर्स्ट पासवर्ड क्लिक करना है, खाली यहाँ पे टिक ही लगाना है और तीनों को क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले में सरनेम, थर्ड वाले में देखो ये दोनों पर नो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आपका कोई नाम चेंज है या फिर आप जो है पहले नाम चेंज कर चुके हैं ऐसा। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, फिर विलेज जो भी है आपका, फिर यहाँ पे स्टेट आपको डालना है तो स्टेट, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर जो आपका है मेल फीमेल वो आप डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे मैरिड स्टेटस डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड और वोटर आईडी, सेल्फ एम्प्लॉय, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय में सेल्फ एम्प्लॉय मैंने डाल रखा है क्योंकि कुछ करते नहीं हो, खुद ही कमाते खुद ही खाते, तो वैसा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्विस हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए, आपके हैं तो यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन आएगा दोस्तों उसके नीचे, तो एजुकेशन जो है आपकी वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको पासवर्ड NCR चाहिए नॉन NCR चाहिए वो आप यस या नो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो ये कॉलम आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नीचे वाले ऑप्शन में आधार नंबर डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री करके नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। फैमिली डिटेल्स में आप पूरी फैमिली डिटेल्स डाल दीजिए जो जो आपकी फैमिली में हो, मम्मी का नाम, पापा का नाम और आपका जो आपके पापा आपको खर्चा देते हैं जो भी है वो आप अपने हिसाब से वो पूरा सेट कर लीजिए, ये पूरी फैमिली डिटेल्स है। तो जैसे ही पूरी फैमिली डिटेल्स आप डालेंगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो क्या आपको मैं फाइनली डाल के दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने लिख लिया खान और उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया बाबू, यहाँ पे मैंने लिख खान, उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अगला स्टेप आ जाएगा और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए जो आपके घर का एड्रेस हो, ठीक है। फाइनली तो मेरे घर का एड्रेस जो भी है मैं वो डाल दे रहा हूँ, मैंने एग्जांपल के लिए सारी चीज़ें ली है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसी तरीके से आपको डालना है। तो फाइनली ये मैंने डाल दिया, अब आप इस पर इग्नोर करिए, ये तो मैंने बहुत छोटा छोटा डाला है, आप इसको बड़ा डाल सकते हैं जितना आपका एड्रेस है फाइनली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है विलेज, उसके उस नीचे आपको डालना है स्टेट, उसके नीचे आपको डालना रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट। तो फाइनली मैंने सिलेक्ट कर लिया डिस्ट्रिक्ट, अब करना है हमें तो हम ये फैज़ाबाद कर लेंगे दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हमने कर लिया फैज़ाबाद। और यहाँ पे हमको डालना है पिन कोड, देखो पिन कोड दोस्तों हमको डालना है, और हमको डालना है यहाँ पर अपना जो थाना होगा आपके नियर बाय वो थाना आपको डालना है, उसके बाद हमको पिन कोड डालना है, उसके बाद यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों। और उसके बाद ये नीचे आता है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, उसके नीचे आता है इस परमानेंट एड्रेस सेम एंड परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका दोनों एड्रेस मैच करता है रहने से, तो वो आप दोनों पे यस यस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको डालना रहेगा ईमेल आईडी, अभी आपको मैं दिखाऊंगा ईमेल आईडी बिना डाले मैंने किया तो नहीं हुआ, लेकिन अभी जैसे ही ईमेल आईडी मैं दोस्तों डालूँगा और उसके बाद नेक्स्ट करूँगा तो
वो हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है, देखिए यहाँ पे प्लीज़ इंटर ए वैलिड ईमेल आईडी, तो आप वही ईमेल आईडी डालें जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम न्यू यूज़र में आपने डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी डाल देनी है, तो मैं ये लिख लेता हूँ lifelineking64@gmail.com। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, ओके करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ले जाएगा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, मतलब आपके आजू बाजू में जो मेन आपके हों खास, उनका नाम दे दीजिए, उनका नंबर दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पासपोर्ट सेवा वाले अपनी इंक्वायरी के लिए वहाँ से कॉल करके पूछें कि क्या ये बंदा किसी मैटर में तो नहीं है, किसी का मर्डर तो नहीं किया है, पुलिस केस तो नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर क्वेश्चन होगा दोनों के बीच में। तो आप इस चीज़ों पे ध्यान रखें कि आप उन्हीं का नंबर दें जो आपके आजू बाजू में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हों, ठीक है। उसके बाद हमको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे अपने हिसाब से आप फिलअप कर लीजिएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे मैंने जो मेरे हिसाब से मुझे लगा मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर देना है दोस्तों हमको नेक्स्ट। तो फाइनली ये दोनों ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ लीजिए पूरा, पढ़ने के बाद आप क्लिक करिए। तो मैंने भी पढ़ लिया और पढ़ने के बाद दोनों ऑप्शन पे मैंने कर दिया क्लिक, ठीक है, और हमने कर दिया आप नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ भी वही ऑप्शन आएगा, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ये डिटेल्स है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मैंने मुझे जो लगा मैंने सारी चीज़ें नो कर दी और उसके बाद हमने कर दिया नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि पासपोर्ट किस तरीके से बन के आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा पासपोर्ट किस तरीके से बन गया, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों। उसके बाद हमने कर दिया नेक्स्ट। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में प्लीज़ सेलेक्ट प्रूफ ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड ई आधार को आपको क्लिक करना है। फिर सेकंड वाले ऑप्शन में 12 डिजिट आधार नंबर ये कर लेना है। उसके आप बाद नीचे आपको आ जाना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिलअप होके आएगा और नीचे जो है यहाँ पे आपको यस कर देना है, यस एसएमएस सर्विस वाला जो आइकन है उसको आपको यस करना है। और यहाँ पे आपका सिटी जो है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मेरी सिटी फैज़ाबाद, तो मैं फैज़ाबाद लिख ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेगा, आई एग्री करने के बाद तीन ऑप्शन दिखेगा, सेव डिटेल्स, सबमिट फॉर्म और प्रीव्यू फॉर्म, ठीक है। तो आपको दोस्तों फाइनली सब सेव फॉर्म कर लेना है, जैसे आप सेव फॉर्म करेंगे सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा और उसके बाद सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ अलग आएगा, वो आपको मैं भी दिखा रहा हूँ। तो ये फाइनली नीचे आते हैं और देखिए सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ये देखो योर एप्लीकेशन फॉर सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे आएंगे, ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन नीचे आएगा सेव फॉर्म में, और यहाँ पे देखें जो आपने किया रहेगा, जैसे मैंने शादी खान ये किया, आइकन पे क्लिक किया, आप देख सकते जाएँ फाइनली पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है आपको, ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपको यहाँ से। तो जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, वापस से फिर आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको आप कहाँ जाना चाहते हैं, जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, आपके नियर बाय या आपसे थोड़ा दूर वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वो आपको दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट और यहाँ पे पीएस के लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो मुझे करना है लखनऊ, तो फाइनली पीएसके हमने लखनऊ कर लिया। और यहाँ पे हम डालेंगे कैप्चा कोड, तो जैसे ही दोस्तों हम डालेंगे कैप्चा कोड हमको करना होगा नेक्स्ट या फिर करना होगा सबमिट। तो दोस्तों ये फाइनली कैप्चा कोड हम फिलअप कर लेते हैं S9। उसके बाद हमको करना है नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 24/1/2019 में हमको मिल गई अपॉइंटमेंट, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमको ये पेमेंट मेथड पे लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जिस तरीके से पेमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं, SBI बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, तो अदर बैंक से करना चाहें अदर बैंक से, तो मैं फाइनली अदर बैंक चॉइस करूँगा क्योंकि मेरे पास SBI का नहीं है, तो मैं अदर बैंक पे करूँगा क्लिक।
और उसके बाद ये मुझे लेके जाएगा अगले स्टेप पे। यहाँ पे करना है हमको कंफर्म, ये आपको 1500 रुपये फ़ी लगेगी, ये फर्स्ट पासपोर्ट है, लखनऊ जाना है, ये सारी चीज़ें लिख के आएंगी। हमने इस पर कर दिया क्लिक। जैसे ही दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे, आगे स्टेप पे लेके जाएगा हमको, वापस से हमको सेम चीज़ कन्फर्म कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम इस पर कन्फर्म करेंगे, ये हमको इसके बाद अगले स्टेप पे लेके जाएगा। फिर हमको डेबिट कार्ड सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो कार्ड होगा उसमें 16 डिजिट का नंबर होता है, वो 16 डिजिट का नंबर आपको डालना है। यहाँ पे आपको उसकी एक्सपायरी डेट और मंथ डालनी है, ईयर्स, उसके बाद यहाँ पर होल्डर नेम, कार्ड होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम जो है वो डालना है आपको। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको CVV नंबर डालना है, जो कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने डाला CVV नंबर, और यहाँ पे हमको डालना है कैप्चा। तो जैसे ही दोस्तों हम कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद हमको कर देना है पे, और जैसे ही पे करें हमारे फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP डाल करके हमको उसको कर देना है सबमिट, और हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, इस वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 2-4 लोगों को शेयर भी कर दीजिए, और यहाँ पे नीचे रेड कलर की बटन दिख रही होगी, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे दबा के प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको चले।